दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम अपना डेटा ऑनलाइन क्यों रखें और कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक्सेल शीट पर काम करते हैं और ऐसे में प्रॉब्लम यह आ जाती है कि अगर वो ऑफिस में है और वो डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो ऐसे में एक्सेल शीट पर काम कर लिया, अगर वो किसी दूसरे सिटी में जाते हैं और वहां पर डेटा की जरूरत पड़ती है तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है, या तो वो कैरी करें एक पेन ड्राइव अपने साथ या हार्ड ड्राइव कैरी करें उसमें डेटा रखें। तो आपको मैं एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, आप यूज कीजिए गूगल शीट। मैं आपको गूगल शीट यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप गूगल शीट यूज करते हैं तो आप आसानी के साथ अपना डेटा जहां भी चाहे जिस कंप्यूटर पर चाहे उस कंप्यूटर पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम रखेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे। गूगल शीट को ओपन कर लेते हैं यहां पर जाकर के, और गूगल शीट को ओपन करेंगे हम। ये देखिए ये गूगल शीट है, और यहां से गूगल शीट पर क्लिक कर देता हूं मैं, ये शीट जो लिखा हुआ है यहां क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये गूगल शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं पहले से बनाए हुए हमारे जो फाइलें हैं वो यहां पे दिख रही हैं, अनटाइटल्ड अनटाइटल्ड, ये सब पहले से बनाई हुई फाइलें हैं हमारी। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, और ये डेट एंड टाइम भी देख सकते हैं यहां पर 2020 में बनी हुई फाइलें भी हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, फिर देखिए यहां जनवरी 24 जनवरी 2020 में बनी हुई फाइलें हैं, 2019 में बनी हुई फाइलें हैं, ये सारी फाइलें सेव है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये फाइल ओपन भी हो जाएगी, ये देखिए ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अपना डेटा ऑनलाइन रखना चाहते हैं, सर्वर पर रखना चाहते हैं, और जहां जिस सिस्टम पर, जैसे मान लीजिए आज आप हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने सिटी की बात करता हूं, मेरा होम सिटी जो है देवरिया है, अगर मैं देवरिया में हूं, देवरिया में काम कर रहा हूं इस सिस्टम पे, ठीक है, जिस सिस्टम पे मैं बैठा हुआ हूं, कल को हमें कोई लैपटॉप मिल गया और उसी ईमेल आईडी से हमें लॉग इन होना है जिस ईमेल आईडी पर हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, उस ईमेल आईडी से आप उस लैपटॉप पर हो जाइए लॉग इन। ठीक है, चाहे आप अहमदाबाद में रहिए चाहे कहीं भी रहिए, ठीक है, आपका होम टाउन मान लीजिए देवरिया है लेकिन आप अहमदाबाद चले जाते हैं तो उस लैपटॉप पर उसी ईमेल आईडी से लॉग इन हो जाइए, और सारे के सारे जो आपके जो फाइलें हैं वो आपको वहीं पर मिल जाएंगी बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सीधा जाना होगा कहां पर, गूगल क्रोम पर, ठीक है, और उसे कर लीजिएगा ओपन। ये ओपन हो गया गूगल क्रोम, यहां पर जाइएगा और यहां से आप ओपन कर लीजिएगा गूगल शीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप ईमेल आईडी से लॉग इन हो जाइएगा आपने। ठीक है, आपको सिर्फ अपने ईमेल आईडी से लॉग इन ही होना है। ठीक है, जैसे ये मेरी ईमेल आईडी है तो मैं इससे लॉग इन हो जाऊंगा। ठीक है, जैसे पुरानी ईमेल आईडी है हमारी तो इसी से मैं लॉग इन हूं, आपको यहां से जाकर के लॉग इन हो जाना है। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडीज है उससे आपको लॉग इन हो जाना है, और जैसे ही लॉग इन होंगे तो आपको जो भी फाइलें हैं वो नजर आ जाएंगी। अभी कुछ देर पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो मैं आपको दिखा देता हूं, इसी में मौजूद होगी वो भी। तो यहां पे देख सकते हैं ये वो फाइल है, इस पे मैंने क्लिक किया और ये स्वाद गृह इस तरह की कोई फाइल थी तो इसे मैंने ओपन भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये फाइल जो है कुछ देर पहले मैंने अभी बनाई थी तो ये इसमें मौजूद है। ठीक है, और इसे हम इजीली एक्सेस भी कर पा रहे हैं जबकि मैंने इसे कहीं भी सेव नहीं किया है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको दे देता है गूगल शीट। ठीक है, और अगर आप गूगल शीट पर काम करेंगे तो आप अपना डेटा ऑनलाइन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से हेल्प मिलेगी आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।